करण भाई, आमिर को आपने PSL में भी देखा, वैसे भी हम को देखते हैं, आपको लगता है उनकी क्रिकेट अभी काफी पड़ी है? ये बिल्कुल काफ़ी क्रिकेट है, 4-5 साल तो इजीली वो खेल सकता है। बस एक मेरे ख्याल से बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट दे गया जिसका उसको नुकसान होगा मेरे ख्याल से। और मैंने भी बात की थी उससे कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ। आफ्टरऑल कोच है, जो भी है बेहतर ही कहा होगा, लेकिन ये है कि अभी उसकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और बॉलर भी ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरा मेरी ओपिनियन है कि वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के लिए ज़रूर आमिर को होना चाहिए, वहाब को होना चाहिए। आपका इंडिया में टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे पेस बॉलिंग से ही आप बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेट सी अब मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है, आमिर का अपना क्या डिसीजन है, क्या कर सकता है। लेकिन ये है कि एक लॉस है पाकिस्तान की क्रिकेट को, आमिर जैसे फास्ट बॉलर अगर नहीं खेलेंगे या अर्ली एज में रिटायरमेंट ले गए हैं किसी की वजह से, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था। सही है। तो आपने आमिर से बात भी की थी, तो अब वो क्या लग रहा है उनका? देखिए उनका मुझे जो रिएक्शन लग रहा है, जो गुस्सा लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बड़े बैठेंगे नहीं, जैसे लाइक कराची किंग में वसीम भाई हैं, उनको वो उनके मेंटोर भी हैं और ड्रेसिंग रूम भी शेयर करते हैं, कराची किंग में भी है। इन जैसे क्रिकेटर्स बैठे हैं, बोर्ड के साथ बैठे हैं, आमिर के साथ बैठे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को है, पाकिस्तान को। आप सिर्फ पर्सनल हो के आप करेंगे तो वो फिर नुकसान होता जाएगा। पास में हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को। अगर गलती कोई हुई या आमिर से या मैनेजमेंट से, उसे ख़त्म करके वापस आए, क्रिकेट खेले, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले, जैसे उसने 5-6 साल खेले हैं जब से आया वो बैन के बाद, तो पाकिस्तान के लिए उसने अच्छा ही की है। तो मज़ीद अभी ज़रूरत है उसकी, उसको पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए, परफॉर्मेंस लेनी चाहिए उससे। शाहनवाज धानी को टीम में शामिल कर लिया है PSL में, इन्होंने बॉलिंग की, काफ़ी लोग उनसे खुश भी हुए थे उनकी बॉलिंग को। आपको कैसे बॉलर लगे हैं वो? जी नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, और नुकसान देखिए प्लेयर्स का नहीं है, नुकसान ऐसी सिलेक्शन पे है। आप एकदम से आप ले आते हैं, अभी खेलने नहीं देते, पहला वो सीज़न खेला है, पहले सीज़न में भी वो 4 से 5 मैच फर्स्ट क्लास के खेला है, अभी T20 के वो 2 से 3 मैच फर्स्ट क्लास PSL के खेला है। तो लेट्स सी, इतनी एबिलिटी है उसमें, अच्छा बॉलर है, मेहनती भी है, शौक भी है उसको, और एक छोटे से इलाके से आया सिंध के, तो बड़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन थोड़ा और मच्योर करके लाते तो बहुत ही अच्छा होना था। रीज़न ये भी है कि कोविड की वजह से प्लेयर ज़्यादा कैरी करने हैं, तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल से सामने रखे टीम अनाउंस की होगी, शाहनवाज धानी आया तो। आपने टीम देखी है, आपको कैसी टीम लग रही है? खासकर यासर शाह नहीं है टेस्ट के अंदर, तो अफ्रीका के अंदर जो टूर है हमारा, आपको लगता है कि ये टीम बैलेंस टीम है? देखिए जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट मैच है, तो उनके खिलाफ कोई नए बॉलर आजमा रहे हैं, जैसे जायद महमूद ने अच्छी डोमेस्टिक में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की हुई है, 4-डे क्रिकेट में एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, थोड़े से हल्के टेस्ट मैच है, एक्सपीरियंस देने के लिए इनको यूटिलाइज़ किया है। लेकिन जैसे बड़ी टीमें आएंगी तो यासर शाह, मैं स्टिल कहता हूँ कि नंबर 1 हमारा स्पिनर है, उसने आउट भी किए हुए हैं, फास्टेस्ट आउट किए हुए हैं, तो उसका इसलिए रेस्ट दिया होगा कि जिम्बाब्वे के साथ आगे जो बड़ी टीम आएगी, टेस्ट मैचेज होंगे बाहर, जैसे लाइक इंग्लैंड है या साउथ अफ्रीका के साथ या बड़ी टीमों के साथ, तो डेफिनेटली वो वापस आएगा और उसकी क्रिकेट अभी बड़ी है।